बिग बॉस सीजन 18 में शुरू हो रही है एक नई लव स्टोरी। ये लव स्टोरी है अविनाश मिश्रा और ईशा सिंह के बीच की लव स्टोरी। अविनाश और ईशा बहुत अच्छे से जानते हैं कि घर में उन्हें लेकर एक एंगल शुरू हो गया है। बावजूद इसके अविनाश ईशा से फ्लर्ट करते हैं, ईशा की हुडी पहनते हैं, हाथ पकड़े नजर आते हैं और इसके साथ साथ खून के सारे नखरे उठाते हैं। ईशा भी अविनाश को दे रही है घर के अंदर फुल इम्पोर्टेंस। हालांकि ईशा ने ये साफ साफ कहा है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन ईशा सिंह की बॉडी लैंग्वेज तो कुछ और ही बता रही है। इसी बॉडी लैंग्वेज को नोटिस कर फैंस अब ईशा और अविनाश की वीडियोस को वायरल कर रहे हैं। इन दोनों के रोमांटिक एडिट्स बनाए जा रहे हैं। और सबसे दिलचस्प बात तो ये है कि इस लव स्टोरी के शुरू होने के बाद सोशल मीडिया पर शालीन भनोट होने लगे ट्रॉल। किसी ने लिखा कि अब शालीन भनोट का फिर से ड्रामा देखना पड़ेगा, तो किसी ने लिखा शालीन का फिर कट गया, किसी ने लिखा बेचारा शालीन इस बार भी हाथ मलता रह गया, तो किसी ने लिखा शालीन भनोट तुम्हारी किस्मत ही खराब है। वेल, जिन्हें नहीं पता उन्हें बता दें कि ईशा और शालीन ने एक साथ सीरियल बेकाबू में काम किया था और उसी सीरियल से ईशा और शालीन की डेटिंग की खबरें थी। जब शालीन भनोट खतरों के खिलाड़ी के लिए विदेश जा रहे थे, तब ईशा उनके मॉम डैड के साथ उन्हें एयरपोर्ट सी ऑफ करने आई थी। वो ईशा ही थी जिन्होंने शालीन के पीछे से उनके माता पिता को संभाला। फाइनल कट न्यूज डेस्क।